गाइस आज हमारा चोर बाजार जाने का मेन रीजन ये है कि हम लोग को वहाँ पे जाके एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स निकालने हैं, जो कि एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है, बट हम लोग वहाँ से ट्राई करेंगे कितने सस्ते में निकाल सकते हैं। और ये भी पता करना है कि वो लोग सच में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या फिर ओरिजिनल के नाम पे कुछ और ही चुपका रहे हैं। इनफैक्ट हमें सूत्रों से पता चला है कि चोर बाजार की कुछ ऐसी गलियां हैं जहां पे ना स्पेसिफिकली ओरिजिनल सामान बिकता है और वो बस कुछ घंटे के लिए लगाते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि वो जगह ढूंढना और वहां से ओरिजिनल चीजें लेके आना। तो गाइस हम लोग एरिया में तो आ चुके हैं, बट वहां पे बहुत मुश्किल से ही रिकॉर्ड करने देंगे और वो एरिया के आसपास पुलिस भी बहुत है। हम लोगों ने अभी चेक किया, तो हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं। तेज भाई, क्या लेना चाहते हो आज? आईपैड? हाँ, दूसरा चाहिए, छोटा चाहिए। मेरे एक बच्चे को छोटा बच्चा और चाहिए। क्या लेना चाहते हो चोर बाजार से? चार्जर लेना था। लाइक चार्जर? हाँ यार। पीयूष भाई क्या चाहिए? देख सकते हो आप, कैमरा देना, कैमरा देखते हैं। तो गाइस ढूंढते ढूंढते हम लोग को फाइनली जाके वो गली मिल गई जहाँ पे हम लोग को रियल ओरिजिनल सामान दिख रहा था, लेकिन उस ओरिजिनल सामान के बीच में कुछ पुराना खराब सामान भी वो लोग बेच रहे थे। तो हम लोग लगे अपनी पूरी सर्च में। चालू है क्या? ये वाला कितने का है? 1-2 मिनट के लिए अगर आप बोलते हो आप ले रहे हो तो ठीक है, वरना वो आपके हाथ से ले लेंगे। और गाइस ये सारे एरिया जितने भी है वो अंडर सर्वेलेंस रहते हैं, और एक्चुअली वहाँ पे आ गई पुलिस, तो वहाँ पे सब उठ के भागने लगे, सामान पैक करने लगे, और एक्चुअली वहाँ पे बहुत क्योस हो गया था। लेकिन तब तक हम लोगों ने कुछ अच्छी चीजें परचेस कर ली थी, वो सामान कोई चोरी का नहीं था, उनका मेजरली सेकंड हैंड आइटम्स ही दिख रहे थे, और हम लोगों ने भी फाइनली वो चीजें ले ली जो हमें चाहिए थी। ऑलराइट गाइस, तो फिर हम लोग चोर बाजार से फाइनली सामान लेके आ चुके हैं और बहुत सारी चीजें ली हैं, और एक एक करके मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगा। पहली चीज से स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने खरीदी है। तो पहली चीज हमारा ये लैपटॉप, और इसका नाम है गाइस एसर एस्पायर, और गाइस ये हमें मिल गया 1000 रुपए में। तो यार ये एक्चुअली अभी पता चला ये 22 साल पुराना है, ठीक है, काफी पुरानी चीज है, एकदम ये विंटेज हो गया भाई हमारे लिए। हम लोगों ने परचेज किया तो उसने बोला था कि मुझे नहीं पता कि भाई ये चालू होगा भी कि नहीं, एंड हम लोगों ने भी ट्राई वगैरह किया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार इसका चार्जर ही मिलना बहुत मुश्किल है, और बाकी सारी चीजें भी देखी, बट ये ऑन तो नहीं हो रहा है। पहले की चीजें यार मुझे काफी कन्वीनियंट लगती थी, जैसे अभी देखो यहाँ पे एक ब्लूटूथ का बटन है, उसको ऐसे करो तो बस ये ब्लूटूथ चालू हो गया, और दूसरा वाला ये इंटरनेट का बटन है आई गेस, और उसके बाद आप लोगों को ऑक्सपोर्ट वगैरह भी सब इधर ही मिल जाते थे। और भाई ये चीज डीवीडी ड्राइव, जो कि आज तो एक्सटेंट ही हो गया ऐसा लगता है, आजकल तो जो लोग पीसी बिल्ड करते हैं उसमें भी नहीं आता। और एक और चीज दिखाऊं जो आज किसी इसमें नहीं मिलेगी, ये देखो यहाँ पे है आप लोगों का वेब कैम, और ये देखो भाई ये देखो अपना ये हो गया फ्रंट कैम, और ये देखो हमारा सेल्फी कैम, और ये ऐसे प्राइवेसी के हिसाब से भी सही चीज थी भाई। और यहाँ पे देखो 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, मतलब उस जमाने के हिसाब से चलो काफी है यार। और ये कितना जाएगा भाई? फुल 180 डिग्री ये चला जाता है, बस ये चल जाता ना तो मजा आ जाता। इसे जरा ओपन करके देख लेते हैं। ओ भाई चीजें तो सही सलामत है अंदर, लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा कुछ खोला वगैरह है। ये देखो गाइस इसके अंदर हम लोगों को पूरी हार्ड ड्राइव भी मिल गई, और इसके अंदर पता नहीं कितना डेटा हो सकता है। यहाँ पे देखो एक डेट भी मेंशन्ड है, 30/11/2013, तो मतलब अंदर तो सब एज इट इज सही सलामत है, और मुझे लगता है एक एक पार्ट निकाल के भी बेच दिया तो 1000 रुपए तो रिकवर हो सकते हैं। तो भाई उस हिसाब से तो सही डील हो गई, ये सही लग रहा है। ओके अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट मूव ऑन करते हैं। वो की गाइस हमारे ये एयरपॉड्स फर्स्ट जनरेशन ओरिजिनल है, 400 का बोल रहा है। कम करो ना भाव, तो लेता हूं ये ला 200 रुपए। और गाइस ये हमें पड़े थे मात्र 200 रुपए के। तो ये जो पीस है ना ये एक्चुअली ओरिजिनल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। इसका जो वेट है एंड जो इस पे पीछे जो मार्किंग हो रखी है असेंबल्ड इन जापान, ये अभी वाले किसी भी एयरपोर्ट पे लिख के नहीं आता है, बट ये अभी काम करेगा कि नहीं ये हमें पता नहीं, बिकॉज इसको हो चुके 5-6 साल पुराना, तो ये मिनिमम है। ओके गाइस, तो अगर इसे हम लोग चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे जैसे अगर मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मैं इसे ना यहाँ पे लगाता हूँ वायरलेस चार्जिंग के लिए, तो आप लोग देखो इंस्टेंटली चालू हो गया है, एंड ये चार्ज हो रहा है। इसका इंडिकेशन ये भी है कि यहाँ पे ये पावर बैंक भी इंडिकेट कर रहा है, बट हम लोगों ने इसे बहुत चार्ज किया, दिन रात चार्ज किया, ये चार्ज गाइस पूरा होता है बट ये चल नहीं रहा हमसे। तो गाइस ये है ओरिजिनल वाले एयरपॉड्स, ठीक है। तो अगर जब भी मैं इसे ऐसे लिड से ओपन करता हूँ ये इंस्टेंटली पेयरिंग का एनिमेशन दे देते हैं और कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं इस वाले एयरपॉड्स का लिड ओपन करूँ जो हमने चोर बाजार से लिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एनिमेशन वगैरह तो हमें आ ही नहीं रहा है। और अगर हम लोग ब्लूटूथ में भी जाके चेक कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे ये एयरपॉड्स
तो कहीं नहीं आ रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने हर तरीके से ट्राई कर लिया कनेक्ट करने का, बट ये वर्क नहीं कर रहे। और जब आप ऐसी कोई चीज चोर बाजार में लेने जाते हो ना, तो वो लोग हमेशा से बोलेंगे कि बैटरी डेड है लेकिन चलता जरूर है। और अगर कुछ ज्यादा चेक करने जाओ तो फिर वो आपको बोलते हैं लेना है तो लो वरना रखो यहीं पे, है ना, इतना कुछ हाथ लगा के चेक भी नहीं करने देते। तो ये पीस गाइस एक्चुअली काम का नहीं है और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये देखो जैसे कि अभी ये एयरपॉड्स हैं, है ना, तो काफी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गंदे भी हैं, और भाई किसने यूज किया है, कब तक यूज किया है। बट हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल है और चार्ज बहुत अच्छे से होता है। एंड यस गाइस, नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट आवर वीडियो पार्टनर्स व्हिच इज OneWin। एंड सी, आप उसके थ्रू ना यहाँ पे बढ़िया पैसे कमा सकते हो, ऐसे 50K 80K। एंड ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली काफी अच्छा है, और आप लोग पूरा वीडियो देखना, मैं आप लोगों को आगे सरप्राइज भी बताऊंगा। तो इस ऐप में मैंने पहले तो 500 रुपीज डिपॉजिट किए थे, लेकिन मेरे को बैलेंस मिला है 2500 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 500% तक का बोनस मिल जाता है। एंड योर मनी कैन गेट लिटरली 10 times इन जस्ट 20 मिनट। मतलब अगर आप लोग केयरफुली खेल रहे हो तो आप लोग सच में बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। प्लस इसमें आप लोग पेटीएम, गूगल पे, किसी के थ्रू भी मनी डिपॉजिट कर सकते हो, काफी इजी प्रोसेस है। कमेंट में आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लेना। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ पुरानी चीजें ली है भाई, पूरी सील्ड पैक चीजें भी ली हम लोगों ने। और गाइस, जैसे सील्ड पैक भी वो लोग वहीं पे कर देते हैं, मतलब सोचो वैसा बंदी मार सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास बोट एयर डोव 181 जो कि हमें पड़े थे सिर्फ 400 रुपए के, एयरपॉड से महंगे पड़े थे ये, और ये ओरिजिनल नहीं है। एक्चुअली जो ओरिजिनल आते हैं उनका प्राइस है 1100 रुपए कुछ। तो गाइस कर लेते हैं डब्बे को अनबॉक्स। भाई बोट का ओरिजिनल देना। तो ये देखो गाइस, ये है बोट का ओरिजिनल डब्बा और ये है नकली। आप लोग देखो कि फ्रंट इन लोगों ने कितना सेम किया है, और जो बोट की ओरिजिनल पैकिंग आती है वो कुछ ऐसी आती है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर देखो कैसी आई है। ये हमारा एक तो डब्बा उल्टा निकला है, और इसमें हमारे निकले हैं एयर डॉक। ओ भाई साहब, ये देखो कार्ड वार्ड भी दे रहे हैं भाई, 1 ईयर वारंटी का। ओरिजिनल तो नहीं? हाँ ना, ओरिजिनल तो नहीं है। ओहो, ये चार्ज नहीं है बिल्कुल भी, और बोर्ड की मार्किंग वगैरह है यार। लेकिन देखो ये देखो, थोड़ी पूरे डिजाइन की वाट लग गई है, और वही थोड़ी सेंटर में भी नहीं लग रही है, बस ऐसे छाप दिया है। पेयर हो रहे हैं, लिख के तो एयरडो 181 लिख के आ रहा है। अब देख लेते हैं कि चलते भी है कि नहीं। ओ भाई चल रहे है, बस ऐसे टाइम पास है, मतलब की बेस ट्रेबल एकदम किसी गाने का ना एकदम लो कर दो, ठीक है, उसके बाद आप लोग जब सुनते हो ना तो वैसे ही कुछ आवाज आता है। ओ भाई पूरे सेंसर है, ये देखो निकाला, ये पॉज हो जाएगा, पॉज नहीं हुआ, प्ले हो गया। तो चल, वो कान में लगा थे उसका टच हो रहा, टच भी मैं वैसे कर रहा हूँ ना, देखो किधर, अब नहीं होगा ना, प्ले टच हुआ था भाई, इतने भी ओरिजिनल नहीं है, इतने तो एयरपॉड्स भी नहीं कर पाते। टच सेंसर तो काम कर रहा है, अबे चल, थोड़ा ट्यूबलाइट है। तो ये 400 रुपए में पूरी बर्बादी है, फर्स्ट कॉपी तो नहीं ली जाए, चोर बाजार से तो बिल्कुल ही नहीं ली जाए। ओके गाइस, अब बारी हमारे चोर बाजार के सबसे महंगे परचेज की। तो ये है गाइस आईपैड मिनी फर्स्ट जनरेशन, और ये पीस कम्प्लीटली ओरिजिनल है। हम लोगों ने इसका सारा सीरियल नंबर वगैरह डाल के चेक किया, और ये हमें पड़ा है 4000 रुपए का। ओके, तो अब इसे ऑन करके दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो गाइस कुछ ऐसे ही ओपन हो गया, हम पासवर्ड डाल देते हैं, और ये हो गया है हमारा आईपैड स्टार्ट। आप लोगों को यहाँ पे सारे एप्पल के जितने भी प्री इंस्टॉल एप्स हैं वो सारे दिख जाएंगे, और इसका पूरा एक्सटर्नल बॉडी इंटैक्ट है, ठीक है, कहीं से भी कुछ ज्यादा स्क्रैचेस नहीं, और फ्रंट से भी पूरा ग्लास एकदम क्लियर है। वॉल्यूम रॉकर्स, ये सारी चीज एकदम प्रॉपरली वर्क करती है। इनफैक्ट इस वाले आईपैड के अंदर ना सिम स्लॉट भी है, देखो भाई। भाई कुछ भी बोलो, एप्पल एडवांस तो स्टार्टिंग से ही रहा है। एंड अगर कैमरा भी ओपन कर ले तो सबसे पहले तो चलो एक सेल्फी ले लेते हैं, ये देखो। तो क्वालिटी तो यार उस हिसाब से काफी ठीक है। और अब आते हैं गाइस इसमें जो हम लोगों को खराब चीजें बाद में पता चली लेने के बाद, जैसे कि एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका जो स्क्रीन है ना वो एक्चुअली फ्लिकर कर रहा है, वो इतना इधर से ऐसे नोटिसेबल नहीं है। अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर पे ना ये पिक्सल सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे सफारी के नीचे की साइड में ये वाला जो पूरा लाइन है ना, ये पैच ही पूरा खराब हो चुका है। प्लस इसका जो iOS आया था ना, iOS अपडेट बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं। तो जैसे कि इसकी मैं सेटिंग्स में भी जाता हूँ ना, एंड यहाँ पे मैं देखो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट चालू भी करूं, योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट 9.3.6। अभी भाई iOS 17 चल रहा है, iOS 17 ही चल रहा है ना भाई? हां भाई, आपके पास भी तो iPhone है। इसमें अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, जैसे कि अगर आप ऐप स्टोर पे गए के बाद अगर आपको कुछ भी ऐप चाहिए तो यहाँ पे दिखाता है कि ये वाला iPad कंपेटिबल ही नहीं है। मतलब भाई Netflix Prime छोड़ो, ये YouTube को भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, तो बाकी ऐप्स तो कहां ये इंस्टॉल करेगा। लेकिन यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज की डेट में ना ये iPad लेना वर्थ इट तो नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऐप्स आपकी चलेंगे नहीं, तो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। बस वो कहने की बात नहीं हो जाती कि हाँ भाई एप्पल का कोई तो एक प्रोडक्ट है उसी चीज के लिए, ये हवाबाजी वाली चीज है, ये मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनली इतने काम का है। ओके गाइस, अगली चीज है हमारे ये ओरिजिनल फास्ट चार्जिंग एडेप्टर। तो सच बताऊं गाइस, चोर बाजार में मुझे यही चीज सबसे सही लगी और समझ में आई। एक तो मुझे वहां पे अंदाजा लग रहा था कि ये ओरिजिनल है, और अगर आप लोग अभी किसी भी अच्छे ब्रांड का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर लेने जाते हो तो वो 1000-2000 का तो आता ही है। ये चीज हमें वहां पे बस भाई 300 रुपए में तीन मिल गई। वो बोलते आपको 1000 रुपए, लेकिन आप निगोशिएट करते रहो। ये वाला जो एडेप्टर है ना, इसका तो भाई प्लास्टिक भी नहीं हटाया था। तो ये देखो, ऐसे तो ये बाहर से बहुत गंदा लग रहा है, बट अगर मैं इसका प्लास्टिक हटाऊं
एकदम क्लीन और एकदम नया ओरिजिनल वन प्लस का अडेप्टर है। और उसके साथ हम लोगों को एक और ये वन प्लस का अडेप्टर मिला था, ये सुपर डर्ट वाला रियलमी का अडेप्टर है। सारे 65 वॉट पे फास्ट चार्जिंग करते हैं। और टेस्ट करने के लिए ये देखो भाई, भाई देना अपना वन प्लस, देना वन प्लस लगाएंगे तो रियल टेस्ट होगा ना। ये देखो कनेक्ट करते हैं, ये देखो आ गया, तो कंप्लीट फास्ट चार्जिंग हो रही है, ओरिजिनल चार्जर्स मिल गए। मेरे ख्याल से ये तो बेस्ट डील थी हमारे लिए। और यस गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को वन विन के बारे में बताया था, तो आप लोग ये कार देखो, मैकलेरन 570S, तो लिजिट आप लोगों को ये कार जीतने तक का भी मौका मिल सकता है। उसके लिए बस आप लोगों को टिकट्स कलेक्ट करने हैं, एंड टिकट्स कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को डेली वन विन पे विजिट करना है, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप लोग कमेंट में दिए हुए लिंक के थ्रू जाते हो तो। प्लस यहाँ पे आप लोगों को 25 आईफोन 15 प्रो मैक्स और 25 मैकबुक जीतने तक का भी मौका मिल सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स हैं, तो आपके चांसेस बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट वाला लिंक चेक कर लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ओके गाइस, इसके नीचे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये मैं उस टाइम पे देखा था ना, तभी मेरा दिल कर गया था लेना है। तो ये है गाइस हमारा OG हैंडीकैम, और ये हम लेके आए सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में। ओहो, तो इसका प्राइस मेरे को उन्होंने बोला था 1500 रुपए स्टार्टिंग से, लेकिन लास्ट में 600 में मान गए, ठीक है। और ये देखो अभी बेस्ट पार्ट इसका, कोई यहां से ऐसे ऑन किया और ये देखो यहाँ पे फुटेज निकाल सकते हैं भाई। क्या 3.5 लाख रुपए वाले कैमरा से 600 रुपए वाले कैमरे से की शूटिंग कर रहे हैं ना, बहुत पैसा है अपने पास इसमें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो चार्जिंग का भाई, क्या सॉर्टेड है यार ये, मतलब ऐसी चार्जिंग भाई अपने DSLR को आनी चाहिए अभी। ये देखो यहाँ पे USB मिल गया, और यहाँ पे हम लोगों ने किसी पावर बैंक को नहीं तो अडेप्टर को लगा दिया। ये हो गया चार्ज होना स्टार्ट, ये देखो चार्ज हो रहा है, 1.5 घंटे में बढ़िया फुल चार्ज भी हो जाता है। अब यहाँ पे ही इसके आपको सारे फंक्शन वगैरह मिल जाते हैं, टॉप में अपना जूम इन जूम आउट, और यहाँ पे इससे ये पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो यार ये देखो इसकी, अब हम करते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे 8 मेगापिक्सल की HD रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप बताओ गाइस की कैसी क्वालिटी लग रही है आपको। और तेजस भाई क्या कर रहे हो, ये देखो हमारा ये होता है जूम, जूम आउट। तो ये देखो आपको पूरा स्टूडियो टूर देखते हैं। और भाई आप वीडियो में आने वाले हैं, क्या कहना है आपका? कुछ कहना नहीं है। और अभी देखो इससे फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, फ्लैश वगैरह भी है भाई। यार इससे अच्छा खासा फोटो खींच सकता है, एकदम अंधेरे में जाके खींचते, चलो देखते इसका नाइट मोड कितना पावरफुल है। पूरा अंधेरा कर लेते हैं एंड यहाँ से खींचे फोटो। तो गाइज ये उस जमाने में, मतलब आपसे 10 साल पहले भी आप लेते ना, लोगों की 5-6 हजार से स्टार्ट होते थे, और सोनी का आता था उस टाइम पे 20 हजार रुपए का, और ये अभी हमें मिल गया 600 रुपए का। इनफैक्ट आप लोग इसे ट्राइपॉड में भी अटैच कर सकते हो, उस टाइम पे तो यूज नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए, इतने पैसे कभी नहीं होते थे, लेकिन आज खरीद दिखाया भाई। कैसे भी खरीदा तो यही होते हैं सपने पूरा करना, ड्रीम्स डू कम टू गाइज। तो चलो गाइज मैं जाता हूँ अपने ड्रीम कैमरा से शूट करने। और गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।